हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी के 33 वीक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो 33 वीक्स में आपके बच्चे का जो आकार होता है वो एक अनानास के आकार का हो जाता है और उनकी ऊंचाई लगभग 41 से 43 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है और उनका जो वजन होता है वो लगभग 1.6 से 1.8 केजी के बीच में रहता है। 33 वीक्स से आपके बेबी की जो वृद्धि दर होगी वो धीमी हो जाएगी, लेकिन वे जटिल तरीके से डेवलप होते रहेंगे और इस वीक्स से आपके बेबी उन सभी कार्यों का पूर्व अभ्यास करेंगे जो उनको बाहर आने के बाद जीवित रखेंगे, जैसे एमनियोटिक द्रव में सांस लेना और उसको निगलना, अंगूठा चूसना, ये सारी क्रियाएं कर रहे होंगे और उनकी हड्डियों का अस्थिकरण और उसका सख्त होना पूरा हो चुका होगा या फिर अंतिम चरण में पहुंच रहा होगा। और बच्चे की हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, लेकिन उनकी खोपड़ी नरम रहती है जो कि वजाइना के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करेगी। और इस वीक से आप अपने बेबी के मूवमेंट में काफी ज्यादा कमी देखेंगी, जिसकी वजह होगी आपके गर्भाशय में जगह ना बचना और आपको जब भी हलचल महसूस होगी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से होगी। लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा शांत रहते हैं तो आप उनको एक कप गर्म दूध पीकर या फिर ठंडा पानी पीकर या फिर अपना मनपसंद गाना गुनगुनाकर बच्चों को हलचल के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और ये सारे प्रयास करने के बाद भी अगर बच्चे हलचल नहीं करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत जरूर मिलें। और अधिकांश बच्चे इस वीक तक अपने सर को नीचे कर लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो आपके शरीर में इस वीक से सूजन भी आ सकती है एंड इसके अलावा आपके शरीर के अंग बहुत ज्यादा सूजन आने की वजह से सुन्न भी हो सकते हैं। कभी कभी तो कुछ महिलाओं के इतने ज्यादा सुन्न हो जाते हैं कि उन पर नियंत्रित करना भी संभव नहीं होता है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है एंड आप अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म महसूस कर सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बुखार आ रहा हो, बट ऐसा नहीं होगा। इस लक्षण का कारण आपके शरीर में बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म होता है। इस वीक से हो सकता है आपको चीजों को भूलने की भी प्रॉब्लम हो जाए और आपको सिरदर्द होना एंड चक्कर आना एंड थकान होना और व्यायाम करने में मुश्किल होना और आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होना और आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं, जिनको झूठे लेबर पेन बोला जाता है, एकदम से दर्द आना उसके बाद में चला जाना। और अगर आप इस वीक में अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आप उसमें देखेंगी आपके बच्चे जागते हुए आंखें खुली रखते हैं और अंगूठा चूसते हुए भी देख सकती हैं। और इस वीक्स में डॉक्टर आपको एक जैसे ट्विन्स होने पर या फिर कोई अन्य जटिलता होने पर दोबारा स्कैन के लिए भी बोल सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल करवाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए इस वीक में। तो इस वीक से आपके शरीर में कैल्शियम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपको कैल्शियम युक्त चीजें जरूर लेनी चाहिए एंड इसके अलावा आपको रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे आलू बुखारा अन्य सभी फलों का सेवन करें और बहुत ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं एंड बाहर की चीजें बिल्कुल ना खाएं और ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे आपको कब्ज गैस की समस्या हो एंड आपके पेट में दर्द या फिर ऐंठन हो। ऐसी चीजें खाएं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट करें और ध्यान रखें कि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा और बार बार खाना है, इकट्ठा बिल्कुल भी ना खाएं और आपको पानी बहुत ही अच्छे से ज्यादा पीना है। और आप इस वीक से अपना डिलीवरी बैग तैयार रखें एंड अगर डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए बोलते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी मजबूर ना करें नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए। और आपको इस वीक से गलती से भी पीठ के बल नहीं सोना है, हमेशा आप करवट लेके ही लेटें। पीठ के बल लेटने से आपके दिल पर दबाव पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।